गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ ड्रेस डिजाइनिंग शेयर कर रही हूँ। बहुत सारी कुर्ती के डिजाइन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर आपके पास सिंपल कुर्ती है या फिर कुर्ती का कपड़ा पड़ा हुआ है तो आप उसको कैसे डिजाइन करवा सकते हैं, आप अपने टेलर से उसको कैसे सिलवा सकते हैं, बेसिकली इस वीडियो में आप ये सब कुछ देखने वाले हैं। उसका गला कैसे बनवाना है या फिर सलवार कैसे बनवानी है, पोंचे का डिजाइन कैसा बनवाना है, तो आज सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। होपफुली कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो मैंने बकरा ईद के टाइम से सोची हुई थी कि मैं अब शेयर करूंगी, बट फाइनली आज मैं इसको शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी ही अमेजिंग एंड न्यू वीडियोज़ देखने के लिए। उसके बगल में एक बेल आइकन आएगा तो आप उसको भी हिट कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जो फर्स्ट कुर्ती है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सी येलो कलर में है एंड ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी डिज़ाइन है एक्चुअली में। सो इसके ऑलरेडी मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स मिल चुके हैं। गाइज अगर आपको इनमें से कोई भी ड्रेस पसंद आती है तो आप उसका ऑर्डर मुझे दे सकते हैं। सो सबसे पहले आप ये वाली ड्रेस देखें। लाइक ये कुर्ती प्लाजो प्लस दुपट्टे का पूरा सेट है। तो इसका नेक जो है वो मैंने कुछ इस तरीके से कट वर्क जैसा वी शेप जैसा नेक बनाया है। एंड इसके अंदर आप देखेंगे तो इस तरीके के पिनटक्स बने हुए हैं और उसके साथ ही साथ में ऐसे लेस लगाई है मैंने, ये क्रोशिया वाली। सो ये तकरीबन जो नेक बना था वो 15 इंच का लंबा बना था, उसके बाद में बीच में कपड़ा लगाकर हमने इसको जोड़ दिया था। इसमें टोटल 1 2 3 4 पिनटक्स बने हैं एंड उसके बीच में मैंने ये थोड़ा खाली खाली सा लग रहा था तो उसके बीच में मैंने ये वाली लेस लगा दी। एंड सेम लेस को मैंने ये साइड्स में भी अपने नेक के ऑल अराउंड साइड में भी लगा दिया है। वी नेक जैसा मैंने यहाँ पर ये पैटर्न बनाया एंड बैक पे मैंने ये राउंड नेक बनाया एंड राउंड नेक पे भी मैंने सेम ये लेस को अटैच कर दिया था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। बैक भी बिल्कुल हमारा प्लेन नहीं लगेगा। सो बेसिकली ये जॉर्जेट मटेरियल था, जॉर्जेट का कपड़ा था, बिल्कुल प्लेन फैब्रिक मिलेगा। बस इसके नीचे ये वाली कढ़ाई आपको मिलेगी। आप चाहे तो ऐसे अनस्टिच्ड भी कपड़ा भी खरीद सकते हैं, आप अपने घर के पास किसी भी टेलर से इसको स्टिच करवा सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखिए ना, सीधा सीधा ये पट्टी भी लगाई है मैंने, तो ये भी क्रोशिया वाली ही लेस है। और सिंपल अगर आपका प्रिंटेड कुर्ता है तो उसमें भी आप ऐसा ही सेम लगवा सकते हैं अपने टेलर से बोल करके, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। मैं साइड में फुल व्यू दिखा दूंगी कि ये पहन करके कैसा लग रहा है। और नीचे से हमें ये डिज़ाइन ऊपर बनाना था तो इसको ये देखें, बीच में मैंने ये इंसर्शन लेस लगा करके अपने नीचे वाला बॉटम को भी इसमें ऐड ऑन कर दिया है, तो ये काफ़ी खूबसूरत सा लुक दे रहा है। नीचे से ऐसा कटवर्क जैसा भी इसमें पैटर्न है। बैक आपको ये पूरा प्लेन मिलेगा, इंस्टेड मैंने नेक पर ऐसा ये लेस लगा दी है। तो इस डिज़ाइन को आप किसी भी अपने प्रिंटेड कुर्ती पे भी बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। मैं साइड में स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी कि प्रिंटेड कुर्तीज़ पर ये कैसा लगता है, क्योंकि मैंने अपने क्लाइंट्स का बनाया हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। प्रिंटेड पे, प्लेन पे, आप जो भी फैब्रिक पर इस डिज़ाइन को, इस पैटर्न को बनवाना चाहें आप बनवा सकते हैं। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरीके से, ये देखिए ये नेक का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो अगर आपको ये कुर्ती टेलर से बनवानी है आप टेलर से बनवा सकते हैं, या फिर अगर आपको मेड से बनवानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट DM कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसकी स्लीव्स भी मैंने नहीं आपको दिखाई हैं अभी। इसकी स्लीव्स इस तरीके की अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई थी मैंने, नीचे ये ऐसा लेस लगाई है एंड बीच में कुछ ऐसे ऐसे करके ये देखें इस तरीके से ये लेस आ गई है। बैक से इस तरीके से दिखेगी ये। सो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से लगानी स्टार्ट होगी और वी जैसा पैटर्न, जैसा पहाड़ जैसा पैटर्न बनता है ना, वैसा आपके बाजू पे बनेगा और पहनने पर ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। ये बैक से है, ये इस तरीके से फ्रंट साइड से आएगा और ये बहुत ही प्यारा ये वाली जो डिज़ाइन है, अगर आप सिंपल ये भी लगाएं तो ये भी काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप ये वाली लेस नहीं लगाना चाहते, सिंपल ये अगर आप ये भी लगाना चाहते हैं तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लुक देता है। सो ये हो गई हमारी कुर्ती की बात। इसके साथ मैंने सिंपल प्लेन प्लाजो बनाया है। ये हमें जॉर्जेट का फैब्रिक रिसीव हुआ था तो इसको मैंने लाइनिंग के साथ
पूरा बनाया है। एक साइड पर हमने यहाँ पर पॉकेट भी रखी हुई है और ऊपर बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग से बना था, ये काफ़ी अच्छा बन गया था। ये मैंने मियानी के साथ बनाई है, तो अगर आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग, मियानी वाले प्लाजो कैसे बनाते हैं इसकी भी कटिंग एंड स्टिचिंग आपको मिल जाएगी। इस वाले नेक डिज़ाइन की, लाइक पूरी कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको मेरे मेन चैनल पर मिल जाएगी। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लुक एट दिस कट वर्क गाइज। तो ये आपको दोनों साइड्स होते हैं ना जो सर के ऊपर आते हैं, देखें इस तरीके से ये दोनों साइड्स पर आपको ये कट वर्क मिलता है। इट लुक्स वेरी प्रिटी। अगर आप सर से रखना चाहें दुपट्टा तो आप वैसे भी रख सकते हैं, नॉर्मल कंधे पर रखना चाहें तो आप नॉर्मल कंधे पे भी इसको इस तरीके से रख सकते हैं। अभी बट इस तरीके का आपको कढ़ाई मिलता है आपके दोनों साइड्स पर, फोर साइड्स पे नहीं मिलेगा आपको। ये देखें इस साइड पर और ये वाले साइड बिल्कुल प्लेन मिलता है, बीच में बिल्कुल प्लेन फैब्रिक है। लुक एट दिस। तो इसके न्यू न्यू पैटर्न्स भी अब आ गए हैं, आप और भी इसके डिज़ाइंस भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप मुझे DM करते हैं इंस्टाग्राम पे तो मैं वहाँ पर इसके और डिज़ाइंस, लाइक ये जो कढ़ाई हो रखी है ना इसके और डिज़ाइंस अपडेट हो गए हैं, तो वो मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को लेना है तो। सो या, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता है ये, डेफिनेटली मैं इसको बहुत ही अच्छे ओकेजन पे मैं कहीं पे पहन कर जाने वाली हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट कुर्ता सेट गाइज। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है वो कॉटन मटेरियल का है। गर्मी सर्दी आप कभी भी ये डिज़ाइन बनवा सकते हैं, अपने किसी भी कुर्ती पर ये डिज़ाइन बनवा सकते हैं। सिंपल समर कुर्ती डिज़ाइन आप कह लीजिए। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेस्टल पीच कलर है, इस पर इस तरीके के देखिए पतंग जैसा कुछ डिज़ाइन था। इसके बीच में नेक पर मैंने इस तरीके का ये डिज़ाइन बनाया है, साइड साइड में ये सलवार का कपड़ा लगा है, ये सलवार का इसका प्रिंटेड कपड़ा था। इसका नेक देखेंगे आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये पूरा मैंने यहाँ पर लेस लगाई है एंड ये बहुत ही फिनिशिंग से लगी है लेस। बैक साइड से भी आप देखिए कितनी फिनिशिंग है, फ्रंट साइड से भी बहुत ही अच्छी फिनिशिंग है। तो इसकी भी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग नेक की आपको मिल जाएगी मेरे मेन चैनल पर। एंड ये है इसकी स्लीव्स, स्लीव्स पर देखेंगे आप मैंने यहाँ पर ऐसे टेढ़ा टेढ़ा करके पूरे में पिंटक्स लगाया हुआ है और ये वाली लेस यहाँ पर अटैच कर दी है। ये मैंने तकरीबन 17 इंच की बाजू रखी थी और ये भी थोड़ी सी ना ऐसे अम्ब्रेला शेप में है ये वाली बाजू, तो ये भी काफ़ी स्टाइलिश। आप प्लेन कपड़े पे भी इसको बना सकते हैं, इसको आप नॉर्मल कपड़े पे भी बना सकते हैं। ये वाली जो कुर्ती है आप इसको अपने किसी भी टेलर से बनवा सकते हैं, क्योंकि ये फैब्रिक जो है अभी मेरे पास ख़त्म हो गया है। आपको दूसरे फैब्रिक में, दूसरे डिज़ाइन में अगर बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं। ये कॉटन फैब्रिक है ऑल अराउंड और पीछे से इसका बिल्कुल ये प्लेन है। नीचे आप देखेंगे तो नीचे भी मैंने ऐसा ही ये पैटर्न बनाया था। इसमें आप देखेंगे ना, बहुत ही ध्यान से देखें, ये जरी के धागे के साथ मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई की थी, ऐसे ऐसे सीधी सीधी लाइंस दिख रही हैं आपको पूरे में, ये जरी के धागे से पूरी कढ़ाई की हुई है इस तरीके से। ऐसा ही पैटर्न मैंने नेक पे भी सेम क्रिएट किया था। लुक एट दिस। तो ये हो गई हमारी कुर्ती। इसके साथ मैंने अफगानी सलवार बनाई थी, दिस इज दी अफगानी सलवार। सो ऊपर तो सिंपल जैसे हमारी बेल्ट होती है ना बिल्कुल वैसे ही है, और ये छोटी छोटी सी प्लीट्स हैं। नीचे से ये बहुत ही प्यारा लुक देता है, ये देखें इस तरीके की आपको ये बॉटम मिलता है। और बॉटम पे भी ना मैंने ऐसा करके डिज़ाइन बनाया था ये ट्राइंगल्स वाला। पहले तो ये छोटी छोटी प्लीट्स बन गई थी पूरे में, उसके बाद में ये पोचा बन गया था हमारा। पोचे पे भी मैंने सेम लेस लगाई है जैसे मैंने नेक पर और बाजू पे लगाई थी, और ये ट्राइंगल्स के साथ इसको मैंने पूरा कंप्लीट किया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है पहनने पर। आप इसको प्लेन कपड़े, प्रिंटेड कपड़े किसी पे भी बना सकते हैं। और अफगानी सलवार का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड एंड बहुत ज़्यादा क्रेज भी आ गया है, तो अब वो इसके लिए भी जा सकते हैं। इसकी अफगानी सलवार की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने शेयर की हुई है। या जो जो मैंने शेयर किया हुआ है वो मैं आपको बताती रहूँगी। इसके साथ नॉर्मल कॉटन का दुपट्टा था। कॉटन के दुपट्टाज भी आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स हैं मैंने उनको देखा है, काफ़ी सारी लड़कियाँ कॉटन के दुपट्टे ओढ़ना पसंद करती हैं। पर्सनली मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मैंने देखा है बहुत लोगों को। नेक्स्ट जो है वो इस तरीके का ग्रे कलर का है। दिस इज पेपलम टॉप प्लस नीचे इसके प्लाजो है, प्लाजो पैंट बनाया है मैंने। और अभी इसके साथ एक दुविधा हो गई, मैं प्रेस कर रही थी और प्रेस इस पर लग गई। वाओ, एक भी बार मैंने अभी इसे वेयर नहीं किया है, बस मैं वीडियो के लिए इसको प्रेस कर रही थी कि अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखिए अभी मैंने जो रखा है इसको, तो नीचे इतनी सिलवटें आ गई।
ये है इसकी चोली वाला पार्ट एंड नीचे इसका ये पैपलम वाला पार्ट है, ये इसका पैपलम है। साइड में जो हमारी ये है डोरियां लगी हुई है हमारी कमर के ऊपर आएंगे, इसमें मैंने ऐसा ये लगा दिया था ग्रे के साथ, येलो ग्रे के साथ पर्पल बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने येलो कलर के इसमें फुनकुने लगाए थे जो कि एकदम अलग लग रहा है क्योंकि इसके साथ हम येलो कलर का दुपट्टा ओढ़ने वाले थे, बट क्या ही होगा। तो इस पर ये मैंने इस तरीके का गला बनाया है पूरे में डोरी के साथ, डोरी लूप्स, और इसके बीच में मैंने ये मोती अटैच किए हैं। इसकी जो स्लीव्स है वो कुछ इस तरीके की है, स्लीव्स मैंने यहाँ पर पूरी बेल स्लीव्स बनाई है, यहाँ पर इसको मैंने पीको कर दिया था और छोटे छोटे से यहाँ पर हमने ये मोती लगा दिए हैं ताकि थोड़ा नीचे की तरफ गिरता रहे। और इसके साथ मैंने ये प्लाजो बनाया है, अगेन ये सिंपल पैंट वाला प्लाजो है, और ये भी देख रहे हैं आप सिलवट पड़ गई है इसमें, बस मैंने एक बार मोड़ के इसको रख दिया था तो ये भी पूरा इसको अस्तर एंड लाइनिंग के साथ बनाया है हमने, जिससे कि ये थोड़ा सा ऐसा होता है ना सी थ्रू होता है ये वाला फैब्रिक सेटिन वाला, तो ये सी थ्रू अब नहीं होगा बिल्कुल भी। ये बिल्कुल सिंपल प्लाजो पैंट है, पैंट पे कोई भी डिजाइन नहीं है क्योंकि हमारे टॉप पे ही बहुत ज्यादा डिजाइन था, और इसके साथ मैंने ये दुपट्टा लिया था, पता नहीं इसका ट्राई ऑन भी हो पाएगा या नहीं। सो ये इसके साथ मैंने दुपट्टा लिया था, बहुत ही खूबसूरत सा लुक देगा। आप कुछ अलग कुछ यूनिक पहनना चाहते हैं तो आप इस तरीके की कोई ड्रेस ले सकते हैं, सैटिन के फैब्रिक्स आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाएंगे। इसका भी नेक का कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने शेयर किया हुआ है, इस ड्रेस का भी आई गेस मैंने कटिंग शेयर किया हुआ है। हाँ यस, पेपलम कुर्ती का काफ़ी पुराना ड्रेस है ये, बट वीडियो के लिए अभी तक मैंने इसको एक भी बार नहीं पहना था। एनीवेज, नेक्स्ट जो कुर्ती प्लाजो सेट है ये मैंने कपड़ा खरीदा था, मटेरियल जैसे ड्रेस मटेरियल होता है ना, मैंने अमेजोन से लिया था, और ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, इतना ज़्यादा फैशन में था उस टाइम के, अभी भी उस टाइम मतलब स्टार्ट हुआ था जैसे मैंने इसको लिया था, अप्रॉक्स 2-3 मंथ्स हो चुके हैं, तो उस टाइम ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ था ऑर्गेन्जा फैब्रिक, ऑर्गेन्जा फैब्रिक, तो मेरे पास एक साड़ी है ऑर्गेन्जा फैब्रिक की। नेक्स्ट मैंने ये सूट लिया था, दिस इज द सूट गाइज, ये अमेजोन से लिया था, सिर्फ ड्रेस मटेरियल था तो स्टिचिंग खुद मैंने यहाँ पर करी है, नेक पर मैंने ऐसा वी शेप का नेक बनाया है। सो इसके साथ मैंने ये पफ स्लीव्स बनाई है एंड इसकी लेंथ काफ़ी छोटी है, लाइक इसकी लेंथ आई थिंक 7 इंचेस रखी थी, और यहाँ पर ना जो ये वाला फैब्रिक कटिंग होता है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखकर कटिंग होता है जिससे कि इसमें ये चुन्नटें और ये घेरा दे सकें। इसके साथ लाइनिंग साथ में आई थी फैब्रिक के साथ, तो अलग से लेनी नहीं पड़ेगी आपको, पूरे कपड़े पर ऐसा छोटा छोटा सा कढ़ाई हो रखी है, और यहाँ पे भी काफ़ी खूबसूरत सी कढ़ाई हो रखी है, नीचे इस तरीके का ये लेस मिलेगी, बैक आपको बिल्कुल यहाँ पर प्लेन मिलता है। तो ये मैंने खुद पूरी कुर्ती स्टिच करी थी, लाइक बनाई थी, इसकी भी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग आपको मेरे चैनल पे मिलेगी। इसके प्लाजो में मैंने थोड़ा सा डिजाइनिंग करा था क्योंकि इसके प्लाजो ना मुझसे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा कटिंग हो गया था इसके लेंथ में, तो प्लाजो की लेंथ थोड़ी सी कम आ रही थी, तो इससे आपकी लेंथ भी बन जाएगी, पूरी आ जाएगी, और आपके प्लाजो में डिजाइन भी आ जाएगा। तो ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैंने इसके बीच में लगा दिया था, लुक एट दिस, इसके बीच में लगा दिया था एंड ये थोड़ा सा कपड़ा लगा दिया था, तो इससे ना आपकी लेंथ भी पूरी आ जाएगी और आपका डिजाइन भी बन जाएगा। तो ऊपर मैंने ऐसा इलास्टिक रखा था एंड नीचे ये आपका ये इस तरीके की पैंट आ जाएंगी, तो पैंट के ऊपर आपका ऐसा कुछ डिज़ाइन आएगा जो कि अच्छा लगता है पहनने पर, काफ़ी खूबसूरत सा लुक देता है। आपके पास अगर कोई नेट का भी कपड़ा है तो उससे अगर भी आप ये डिज़ाइन बनाएंगे ना तो उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये तकरीबन 2.5 इंच तक का ये मैंने चौड़ा रखा था, और ये सिंगल कपड़ा है, कोई डबल कपड़ा नहीं रखा है, ये 2.5 इंच की लंबाई हमने रखी है उतना। इसके साथ दुपट्टा बहुत अच्छा सा आया था, दिस इज़ दी दुपट्टा। सो दुपट्टे के साइड्स में इस तरीके का कटवर्क था, कटवर्क कुछ ज़्यादा ही पसंद है क्या मुझे, और दूसरी साइड पर ऐसा पतला सा कटवर्क है, मतलब छोटा सा, डिजाइनिंग नहीं उतना ज़्यादा बट कटवर्क है पतला सा, और ये भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक पर है, तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक को आप ऐसे नहीं रख सकते, इसको आपको सिंपल इस तरीके से ही रखना पड़ेगा। सो ये इस तरीके से अच्छा भी काफ़ी सुंदर लगता है। एंड बाय द वे, मेरे इयररिंग्स आप लोग पूछेंगे कहाँ से हैं, सो दिस इज़ फ्रॉम एन इंस्टा स्टोर दैट इज़ कुवर ज्वेल्स,
और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने खुद परचेज किया है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। सो तीन चार चीज़ें मैंने मंगाई थी, आई थॉट कि ये भी ऐड कर लूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इस पर पूरा एडी वाले नग जुड़े हुए हैं एंड इतना देखने में तो हैवी लग रहा है, बट इतना ज़्यादा लाइट वेट है कि इसको मैं आराम से 4-5 घंटे पहन सकती हूँ, बहुत आराम से। कुछ कुछ झुमके होते हैं इतने हैवी होते हैं कि वो पहनना मुश्किल हो जाता है। तो ये इसके साथ या दुपट्टा आया था, ये भी बहुत ही अच्छा मटेरियल है। अगर आप इस तरीके का कुछ स्टाइलिश पहनना चाहते हैं या फिर ट्रेंड के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं तो आप इस तरीके की कुर्ती ले सकते हैं। और अपने आजकल तो थान वाले जो कपड़े होते हैं वहाँ पे भी ऑर्गेन्जा फैब्रिक्स अवेलेबल हैं क्योंकि इतने ज़्यादा फैशन में चल रहे हैं। नेक्स्ट कुर्ती है वो इस तरीके की प्रिंटेड है, ये भी मैंने फैब्रिक परचेज किया था। तो आपको ये बनवाना है तो आप बनवा सकते हैं मेरे से, बट सेम फैब्रिक अभी नहीं अवेलेबल होगा, सेम प्रिंट अभी अवेलेबल नहीं होगा, आपको डिफरेंट प्रिंट्स इसमें मिल सकते हैं और आपके साइज के अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज किया जाएगा। सो ये मैंने इस तरीके का नेक बनाया था, अगेन कटवर्क जैसा ही नेक बनाया था। और यहाँ पे मैंने कोई लेस का काम नहीं किया है, सिंपल ऐसा वी शेप बना करके बना दिया है। ये वैसा ही डिज़ाइन है बिल्कुल जैसे मैंने फर्स्ट आपको दिखाया था, फर्स्ट डिज़ाइन बिल्कुल वैसा ही। इसके बीच में मैंने सलवार का कपड़ा लगाया है और इसमें पिंटेक्स बनाया है और नेक हमारा बिल्कुल सेम बना है। बैक यहाँ पर बिल्कुल राउंड नेक है और स्लीव्स मैंने यहाँ पर 16-17 इंचज रखी है एंड स्लीव्स के एंड पर ऐसी लेस लगा दी है। और नीचे ये बिल्कुल स्ट्रेट कुर्ती है और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं किया। ये खुद में बहुत ज़्यादा अच्छा एंड डार्क शेड है इसलिए इस तरीके का डिज़ाइन इस पे मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करी थी। हाँ, इसकी सलवार मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई है, इसकी सलवार मैंने बनाई है धोती स्टाइल में। तो ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ से ना इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेयर आता है। नीचे इस तरीके के इसके पोंचे कुछ इस तरीके के हैं एंड पोंचों पर मैंने ऐसा ये लेस लगा दी थी, ये देखिए फ्लावर वाली लेस मैंने इस तरीके से लगा दी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है पहनने पर। रुकिए मैं आपको इसका फ्लेयर दिखाती हूँ, ये देखें ये कुछ इस तरीके का इसका फ्लेयर आएगा वेयर करने पर। साइड में आपको दिख रहा होगा कि वेयर करने पे कैसा दिखता है ये, और एक अलग से रील भी मैंने इस पर डाली थी कि ये इतना अच्छा फ्लेयर मुझे लग रहा था। सारी सलवारों का जो घेर होता है वो पीछे की साइड की तरफ ऐसे 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 प्लेट बनती है, बट धोती सलवार का जो फ्लेयर होता है वो आपके दोनों साइड्स की तरफ बनता है और ये बहुत ज़्यादा पसंद आई मुझे। तो ये फैब्रिक इतना ज़्यादा सॉफ्ट मसलिन कॉटन है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड पहनने में गर्मी सर्दी आप किसी भी टाइम पहने। इसमें कोई भी दुपट्टा नहीं अवेलेबल है, कोई दुपट्टा आपको नहीं मिलेगा, सिंपल सलवार एंड सूट, तो आपको इसमें दुपट्टा मैच करके लेना पड़ेगा। मैंने इसमें दुपट्टा पिंक कलर का लिया है मैच करके, एकदम ये वाला शेड पिंक वाला, एकदम लाइट वाला। नेक्स्ट एंड जो लास्ट ड्रेस है वो इस तरीके की है, बहुत सिंपल बनाई है मैंने। ये कुर्ता है, मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया था, जस्ट प्लेन कॉटन का फैब्रिक लिया था। एंड लुक एट दिस, मेरा ब्रांड नेम रुक स्टार। सो कॉटन का फैब्रिक लिया था मैंने एंड इस पर इस तरीके का नेक डिज़ाइन किया था, ये देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये बोट नेक है और उस पर इस तरीके का मैंने स्टोन्स का पूरा काम किया है एंड यहाँ पर ऐसा ये वी शेप है। ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने घर में बनाया है, ऐसा लगेगा बहुत ही रेडीमेड हम बिल्कुल इसे परचेज करके लाए हैं। ये इस तरीके का नेक है गाइज, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा था। और नीचे तक ये बिल्कुल एज इट इज़ पूरा प्लेन है, बॉटम पे मैंने ऐसी लेस लगाई है पिंक शेड की, पिंक कलर की इसलिए लगाई है क्योंकि इसका दुपट्टा पिंक है। और ये है इसकी स्लीव्स पे मैंने इस तरीके का स्टोन वर्क किया है और सेम मैंने ऐसी पिंक कलर की ये लेस लगा दी थी, तो एकदम हाईलाइट कर रहा है ये, एकदम सिंपल प्लेन कपड़ा था तो बहुत ही अच्छे से पूरे डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने हाईलाइट करा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। बैक साइड पे बिल्कुल प्लेन है। इसके साथ मैंने प्रिंटेड पजामी बनाई है, बिल्कुल जो पहले चलती नहीं थी एकदम पजामियाँ, कपड़े वाली पजामियाँ, आजकल तो लेगिंग्स प्लाजोज चल गए हैं, बट मैंने इसके साथ ये कपड़े वाली पजामी बनाई है जिसको लिटरली बोलते हैं हम पजामी, वो है। और ये क्रेप का फैब्रिक है गाइस, इसमें आपको ये तो नहीं मिलेगा बट आप सिर्फ कुर्ती अगर बनवाना चाहते हैं मुझसे तो आप ये बनवा सकते हैं। इसकी भी, इस नेक की भी कटिंग एंड स्टिचिंग मैंने शेयर की हुई है, वो भी आप लोग देख लेना। तो ये इसका दुपट्टा है,
ये देखें दुपट्टा बहुत ही प्यारा सा एकदम पिंक शेड है, इसके साथ काफी अच्छे से जाता है, ये देखें इस तरीके से। इसलिए मैंने इसमें ना ये पिंक कलर का लेस लगाई थी जिससे कि एकदम मैच हो जाए। दो ये हो गई पजामी, दुपट्टा, एंड दिस इज द लास्ट हमारा कुर्ता। तो आप लोग बताना कि इसमें से सबसे खूबसूरत कुर्ती आपको कौन सी लगी, या फिर आप कौन सी बनवाना चाहेंगे। अगर आपको कोई सी भी बनवानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो यस गाइज, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को 5000 लाइक्स तक पहुंचा दीजिए। हम लोग एम कर रहे हैं 5000 लाइक्स ओनली, 1000 भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। एनीवेज मुझे भरोसा है कि आप लोग कर देंगे। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेक श्योर टू फॉलो माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।